कोई भी चीज़ हैविंग मास या वेट एंड वॉल्यूम इज़ मैटर रिमेंबर यानी कोई भी चीज़ जो जगह गिरती हो और वजन रखती हो दैट इज़ नॉन इज़ मैटर तो अब अपने गिर्द देख लें कि आपको क्या चीज़ ऐसा नज़र आ रहा है जो मैटर ना हो तो मेटर जो हमारे पास इसकी तीन हालतें हैं स्टेट्स हैं दैट इज़ सॉलिड लिक्विड गैस इनकी शक्ल में हमें मिलता है ये एयर जिसमें हम सांस लेते हैं ये भी मैटर है पानी जो पिया जाता है ये भी मैटर है और इस तरह बाकी सॉलिड चीज़ें जो हैं जिस तरह ये ईंट हुआ पत्थर हुआ मिट्टी वग़ैरह तो ये सारा मैटर है अब इस मैटर को आसानी के लिए तकसीम किया गया है कुछ कैटेगरीज़ में एक कैटेगरी है मिक्सचर्स और दूसरी कैटेगरी है सब्सटेंसेस मिक्सचर्स एंड सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस को लेते हैं सब्सटेंसेस मींस अ सिंपल ऑफ प्योर मैटर प्योर मैटर का एक नमूना तो वो सब्सटेंस कहलाएगा प्योर मैटर का मतलब कि मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल्स जो एक जैसे पार्टिकल से बना हो तो वो कहलाएगा प्योर मैटर एंड विल बी टर्म्ड एज सब्सटेंसेस अब एक जैसे पार्टिकल्स का मतलब फॉर एग्जांपल, आप इस कंटेनर में ऑक्सीजन केस डाल दें हेयर इज ऑक्सीजन तो जब इस ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे तो आपको सारे ऑक्सीजन के मालिक्यूल नजर आएंगे उसमें कोई दूसरा डिफरेंट स्पीशी मौजूद नहीं होगा तो ऑक्सीजन हुआ ए प्योर सब्सटेंस दूसरी तरफ आप एक कंटेनर में पानी देख लें कंसीडर कर लें यहाँ पे ये था O2, जो रिपीट कर रहा था O2, O2, O2। और यहाँ पे जो पानी है इस कंटेनर में तो इस कंटेनर में आपको अंदर जाके मिलेगा कि H2O ये एक छोटा यूनिट है जो बार बार इसी में रिपीट होता हमें मिल रहा है सो दिस इज़ ए प्योर मैटर ये भी एक प्योर मैटर हो गया है क्योंकि एक जैसे मॉलिक्यूल H2O H2O आर रिपीटिंग इनसाइड इट दूसरी तरफ आप अगर लोहे का एक सलाख ले लें आयरन अब इसमें जो पार्टिकल देखोगे तो वो सारे आपको मिलेंगे कि आयरन के एटम्स हैं एफी आइटम एफी एटम एंड रिपीटेडली प्रेजेंट रिप्रेजेंटेयर तो ये चीज़ें जो एक जैसे पार्टिकल से बनी होती हैं दे आर नोन एज सब्सटेंसेस आगे जाके फिर सब्सटेंसेस जो हैं एलिमेंट और कंपाउंड में इनकी क्लासिफिकेशन ही है वो हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए जो एक जैसे पार्टिकल से बना हो दे विल बी नोन इज सब्सटेंसेस अब यहां पे एच टू ओ यहां तो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है यस इक्वेश्चन ऑक्सीजन में होगा ये आगे हम ले जाएंगे आज मिक्सचर्स, ये जो है कंपोज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स या प्योर सब्सटेंसेस यानी इसमें डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेज आपस में आप मिल जाती हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम नमक उठाएँ सोडियम क्लोराइड तो जितना भी नमक का पैकेट होगा उसमें अगर आप देखोगे तो यू विल गेट एन एस सी एल एन एस सी एल एन एस सी एल इज़ द रिपीटिंग यूनिट मीन्स के अब ये नमक जो है एक प्योर सब्सटेंस है और पानी को ऑलरेडी हमने समझा कि पानी जो है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेनर में पानी है ये तो अब ये पानी एच टू ओ एच टू ओ आपको मिलेगा तो अब अगर हम एन और एच को आपस में मिक्स करेंगे फिजिकली तो ये बन जाएगा मिक्सचर यानी नमक को पानी में डाल दें तो ये डालने के बाद जो रिज़ल्टिंग मैटर आपको मिलेगा वो हो जाएगा मिक्सचर लेकिन यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी वो फिजिकल होगी केमिकल मिक्सिंग नहीं केमिकल मिक्स करने से रिएक्शन हो जाते हैं और नए प्योर सब्सटेंस में जाते हैं जबकि सल्यूशन का बनना सस्पेंशन का बनना कोलॉइड्स का बनना ये सारे जो हैं दीज आर फ़िजिकल मिक्सिंग्स ओके okay, तो ये था अबाउट द मैटर मिक्सचर सब्सटेंसेस अब हम आगे सब्सटेंसेस को फर्दर करेंगे उसमें एलिमेंट आएगा कंपाउंड आएगा फिर उसमें मॉलिक्यूल आएगा जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है मिक्सचर्स वगैरह आगे जाके सेपरेट चैप्टर इन पे मौजूद हैं वहाँ पे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे